हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सतकथा यूनिक क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में कैपेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास कैपेबिलिटी क्या होती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैपेबिलिटी क्या होती है हमारे पास। कैपेबिलिटी इज अ फिनोमिना इन विच लिक्विड राइज फॉल इन टू द थिन ग्लास ट्यूब। तो कैपेबिलिटी क्या होती है हमारे पास। कैपेबिलिटी हमारे पास एक फिनोमिना होता है जिसमें क्या होगा, थिन ग्लास ट्यूब के अंदर लिक्विड राइज करेगा और फॉल होगा। तो जैसे कि आगे फिगर में दिखाया गया है कि हमारे पास क्या है, एक बीकर है, उस बीकर के अंदर और फ्लूड हमने फिल कर रखा है और एक हमारे पास थिन ग्लास ट्यूब है। तो होगा क्या, जब हम इस थिन ग्लास ट्यूब को हम लोग इसे फ्लूड के अंदर डालेंगे तो इस थिन ग्लास ट्यूब के अंदर कुछ जो कि हमारा लिक्विड है, जो हमारा फ्लूड है, वो एंटर हो जाएगा, ऑटोमेटिक एंटर हो जाएगा। और आगे एक फिगर और दिखाई गई है जिसमें क्या है, बीकर के अंदर हमने क्या करा, हमने फ्लूड को फिल किया हुआ है हमने, और उसके अंदर और थिन ग्लास ट्यूब में ऑटोमेटिक फ्लूड फिल है। तो होगा क्या, जब हम इस थिन ग्लास ट्यूब को इस फ्लूड में से बाहर निकालेंगे तो जो कि थिन ग्लास ट्यूब के अंदर जो फ्लूड एंटर होगा वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, मतलब हमारी थिन ग्लास ट्यूब खाली हो जाएगी। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कैपेबिलिटी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कैपेबिलिटी समझ आया होगा कि कैपेबिलिटी क्या होता है हमारे पास। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल सतकथा यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much.